और अब जो मैच आप देखने जा रही हैं, पुटका वर्सेस बहरा घोड़ा। वीर प्रताप जी, पुटका वर्सेस डुमरिया, पुटका वर्सेस और दोनों टीम अभी तक मीडियम में ही अपने गेम पर रखा है। मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये वीर प्रताप सर आई थिंक ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है जी 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 पुटका और डुमरिया के बीच जी। तो ये सुखद समय है दोनों टीमों के लिए कि ये सेमीफाइनल का मैच हो रहा है। सेमीफाइनल में जो टीम विजयी होगी फाइनल मैच के लिए कल उनको यहाँ आना होगा। तो ये पहला सेमीफाइनल पुटका वर्सेस डुमरिया दौर के लिए क्वालिफाई करें। तो पुटका वर्सेस डुमरिया पहला सेमीफाइनल और दूसरे सेमीफाइनल में बोडाम और जमशेदपुर के बीच में मैच खेला जाना है। टीमें तैयार रहेंगी। टीम बोडाम और जमशेदपुर दूसरा सेमीफाइनल के लिए तैयार रहेंगे। टीम जमशेदपुर कोच मैनेजर ध्यान देंगे। टीम जमशेदपुर और टीम पुटका सॉरी बोडाम दोनों टीमें तैयार रहेंगी अगले दौर के मैच के लिए। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है सेमीफाइनल दूसरा सेमीफाइनल। आज के सेमीफाइनल दो सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं। दोनों सेमीफाइनल में जो टीमें विजयी होंगी कल निश्चित रूप से वो फाइनल खेलेंगी। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। टीम के मैनेजर कोच आप इस बात से सुनिश्चित हो लें और विजयी टीम कल पुनः आना है इसी स्थान पर और 10 बजे से पहले आपकी उपस्थिति यहाँ हो जानी चाहिए। क्षमा करें 9 बजे शानदार प्रयास दोनों टीमों का। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बेहतरीन प्रयास करते हुए लगातार उनकी कोशिशें हैं कि अपनी प्रतिद्वंदी टीम को गोल के माध्यम से पछाड़े और इस महत्वपूर्ण मुकाबले को अपने नाम करें। बहुत अच्छा मौका लेकिन गोल कीपर बहुत ही चौकन्ने बॉल को अपने कब्जे में लिया खतरे को टालने में सफल हुए। ये सेमीफाइनल आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। अभी हमारे बीच थोड़ा सा बिल्कुल गोल लाइन से पुटका की प्राप्त कर चुके होते हैं।
पुनःपुर का टीम के पास आपको बता दूं ये पुनः का टीम बार बार प्रयास करते हुए और जबरदस्त अभी तक अगर टीम में बनाए हुए हैं तो दोनों या टीम गोल की पास का काफी बड़ा हाथ है। एक लंबा शॉट हेलो दोनों ही टीम और दोबारा प्रयास काफी अच्छा मौका है और बहुत ही चतुर गोलकीपर बार बार पुरस्कार की टीम को बढ़त लेने से रोकते हुए और एक कॉर्नर की प्राप्त होते हुए भरमार है और अंतिम क्षण तक दोनों ही टीम प्रयासरत रहे और अंततः जमशेदपुर टीम को सफलता मिली जो आज का दूसरा सेमीफाइनल के लिए पत्रता हासिल की है। मोसापन टीम भी धन्यवाद के पात्र है, बहुत अच्छा काफी उत्साह खेल का प्रदर्शन किए उसके लिए मोसापन प्रखंड को आयोजक मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले मैचों के लिए। पुरस्कार टीम बार बार प्रयास करते हुए तुरंत दो कॉर्नर की प्राप्त हुआ था लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है और वाह गोलकीपर काफी अपना क्षेत्र को छोड़ के आगे आके बोल अपने में कब्जा करते हुए डुमरिया टीम ने चाकुलिया टीम को पराजित करते हुए सफलता प्राप्त किया हुआ। डुमरिया का टीम भी काफी अच्छा प्रयास करते हुए मौका बनाने का भरपूर प्रयास 11 नंबर के खिलाड़ी थ्रोइंग करते हुए और इस तरह प्रचालक महोदय आप यहाँ आ जाए और जमशेदपुर प्रखंड आप लोग भी यहाँ आ जाए, हमारे पास समय काफी काम है। इसके बाद जूनियर टीएसए खिलाड़ी लोग यहाँ अपना अभ्यास करेंगे, हमें मैदान भी छोड़ना है इसलिए हमें सहयोग करें ताकि हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का भी यहाँ प्रैक्टिस हो सके। पहला कॉर्नर प्राप्त होते हुए डुमरिया टीम को फाउल
बताते हैं कोई हैंडबॉल मिला है यानी कि एथलेटिक मिला हुआ होगा। जमशेदपुर टीम आप मेरे बातों को ध्यान दें, आप लोग वार्म अप कर लीजिए और यहाँ आ जाएं, इसके तुरंत बाद ही आपका मैच खेले जाएंगे यानी आज का द्वितीय सेमीफाइनल में, उसके बाद एक फाइनल मैच भी खेले जाएंगे। हाँ, द्वितीय अर्ध का खेल चल रहा है, ये प्रथम सेमीफाइनल और सेकंड सेमीफाइनल के लिए टीम जमशेदपुर और बड़ा दोनों तैयार होकर के मंच के सामने आ जाएंगे। अब दोनों ही टीम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसी को सफलता मिला नहीं, उसका चोर कई प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। अब देखना है, मौका मिला है तो बहुत तेजी से अभी गेंद चली गई टेंशन से बाहर थ्रोइंग का मौका है कोर्ट का।
आप बोला आग्रह है आप भी आ जाए।